हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्र लिपि में सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, पानी से किसी भी लड़की को या किसी भी लड़का को वशीकरण क्रिया करने के लिए आज मैंने एक ठो स्वयं सिद्ध बेंगुली मंत्र लेकर आयो, जिस मंत्र को प्रयोग करके आप लोग किसी भी लड़की को या किसी भी लड़का को वशीकरण क्रिया कर सकते हैं। इस चैनल में वशीकरण क्रिया करने के लिए बहुत सारा मंत्र दिया गया। आज जो मंत्र मैं लेकर आई, ये मंत्र टोटली डिफरेंट मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग विधि बहुत ही अलग है। इस मंत्र से आप लोग पानी के ऊपर में अभिमंत्रित करके किसी भी लड़की को या किसी भी लड़का को वशीकरण क्रिया कर सकता है। ये मंत्र को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी शनिवार के दिन नहीं तो किसी मंगलवार के दिन 60 घाट का पानी आपको उठाकर लाना पड़ेगा। 7 तालाब का पानी आप ले सकता है, नहीं तो 60 नलकूप का पानी आप लोग ला सकता है, नहीं तो किसी भी 60 कुएं का पानी आप लेकर आ सकता है। तो 7 जगह का पानी आपको लेकर आना पड़ेगा, उसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र को आपको 108 बार पाठ करना है। एक बार मंत्र पाठ करेंगे और एक बार उस पानी के ऊपर में फूंक मारेंगे। ऐसे 108 बार मंत्र पाठ करके 108 बार फूंक मारने के बाद उस पानी को लेकर आप जिस लड़की को वशीकरण क्रिया करेंगे या जिस लड़का का ऊपर में वशीकरण प्रयोग करेंगे, उस लड़का का शरीर पर छीटा लगा देने से ही वो लड़का आपका वशीभूत हो जाएगा। ये जो प्रयोग है, ये बहुत ही उग्र प्रयोग है। पानी से वशीकरण क्रिया करना है। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूं। मंत्र है, ओम नमो चांडाल कोड़ी सन्नांग आदित्यांग ओमुकंग वश्य कारणाय गौरिया नमस्ते। ये मंत्र मंत्र को मैं फिर से पाठ करके सुना दे रहा हूं। मंत्र है, ओम नमो चांडाल कोड़ी सन्नांग आदित्यांग ओमुकंग वश्य कारणाय गौरिया नमस्ते। ये मंत्र, इस मंत्र में जिस जगह पर ओमुकंग उल्लेख है, उस जगह पर उस लड़की का नाम लेंगे आप, जिस लड़की का ऊपर में वशीकरण प्रयोग करेंगे या जिस लड़का का ऊपर में आप वशीकरण प्रयोग करेंगे, उस लड़का का नाम आप उल्लेख करेंगे। जिस टाइम पे आप पानी को अभिमंत्रित करेंगे, उस टाइम पे आप हाथ में रुद्राक्ष के माला रखेंगे। रुद्राक्ष के माला से आप काउंट करेंगे और पानी के ऊपर में फूंक मारेंगे। ये जो वशीकरण क्रिया आप प्रयोग करेंगे, ये वशीकरण प्रयोग आप किसी भी शनिवार नहीं तो किसी मंगलवार के दिन ही प्रयोग करेंगे। और पानी भी आपको शनिवार नहीं तो मंगलवार के दिन ही आपको उठाना है। आप अगर सुबह पानी को उठाएंगे तो शाम को ये प्रयोग कर सकता है, नहीं तो किसी भी शनिवार नहीं तो किसी मंगलवार के दिन आप पानी को उठाकर लेकर आएंगे। इसके बाद ये प्रयोग दूसरा शनिवार या दूसरा किसी मंगलवार को ये प्रयोग को आप कर सकता है। लेकिन ये प्रयोग आपको शनिवार या नहीं तो मंगलवार को ही करना है। शनिवार मंगलवार छोड़कर आप दूसरा दिन ये प्रयोग को करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस वशीकरण प्रयोग में आपको पानी को पिलाना नहीं, सिर्फ पानी को लेकर आप जिसको वशीकरण क्रिया करेंगे उसका ऊपर में छिड़क देना है। उस व्यक्ति का ऊपर में पानी को छिड़क देने से ही वो व्यक्ति आपका वशीभूत हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आपको पानी को, मैं जैसे बोला हूँ वैसे ही आपको पानी को उठाना है। पानी को लाकर इकट्ठा कर लेंगे, इसके बाद ही पानी को अभिमंत्रित कर लेंगे और उस पानी को लेकर आप जिसको वशीकरण क्रिया करेंगे उसको ऊपर में लेकर छिड़क कर आप चलाएंगे। एक क्रिया करने से ही वो लड़की हो या लड़का हो वो आपका वशीभूत हो जाएगा। ये जो वशीकरण प्रयोग है टोटली डिफरेंट है। आपको सिर्फ पानी को अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद आप जिस लड़की का ऊपर में या जिस लड़का का ऊपर में ये वशीकरण प्रयोग को करेंगे उसका शरीर पर पानी को लेकर लगा देना है। चाहे आप किसी भी तरह लगा सकता है, छीटा भी लगा सकता है या पानी डायरेक्ट लेकर लगा सकता है। पानी को उसका शरीर पर लगा देने से ही वो लड़की हो या वो लड़का हो वो आपका वशीभूत हो जाएगा। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग कोई लड़की चाहेगा तो किसी भी लड़का के लिए इस प्रयोग को कर सकता है। कोई लड़का चाहेगा तो किसी भी लड़के के लिए ये वशीकरण प्रयोग को कर सकता है। अगर कोई लड़का चाहेगा तो किसी भी लड़का को वशीकरण क्रिया करेंगे तब भी ये प्रयोग को करके उस लड़का को वशीभूत कर सकता है। ये मंत्र और ये मंत्र का पूरा प्रयोग विधि, इस वीडियो का जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता तारा।